आइए इस लेक्चर में हम बात करते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की यहां पर इस टेबल में सारे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन दर्शाए गए हैं ये सात मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हैं। अब देखते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होते कब हैं? कैसे डिकोड होते हैं और डिकोड होने के बाद मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं जब इस डिकोडर का आउटपुट जीरो से लेकर सिक्स तक अगर ये आई इसकी वैल्यू इसकी चेक करते हैं अगर यह जीरो है तो ये डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस है और अगर आई की वैल्यू वन है तो ये इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है इसे हम यहाँ पे यही हमने यहाँ पे इस फ्लोचार्ट में भी डिस्कस किया था अगर ये यह यहाँ पर हम देखा यहाँ फेज में D7 बिट की वैल्यू चेक की जाती है अगर ये जीरो है 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 तो ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद मोड सिलेक्शन बिट जो I उसको चेक किया जाता है अगर वो जीरो है तो ये डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है और वन है तो इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है अब जैसा कि आप जानते हैं हमने पहले यहाँ पर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग की बात की थी इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग में मेमोरी के दो इंस, आ, दो बार रेफरेंस लिए जाते हैं पहली बार इंस्ट्रक्शन फेच के लिए दूसरी बार ऑरपर फेच के लिए राइट right? ये तो बात थी डायरेक्ट एड्रेसिंग की इनडायरेक्ट में तीन बार रेफरेंस होते हैं कैसे ये देखते हैं एक तो बार सबसे पहले बार इंस्ट्रक्शन फेच, उसके बाद आ, हम यहां पे एक बार एड्रेस फेच करते हैं दूसरी बार में हम यहां हैं। तो इस प्रकार एग्जीक्यूशन साइकिल में यहां दो मेमोरी के रेफरेंस लिए जाते हैं इसलिए यह ज्यादा क्लॉक पल्स कंज्यूम करता है डायरेक्ट एड्रेसिंग के मुकाबले देखिए डायरेक्ट जो एड्रेसिंग है मेमोरी एड्रेसिंग इसमें आप यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे ये सीक्वेंस काउंटर जीरो हुआ यहाँ पे आपने प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को एड्रेस रजिस्टर में डाला यहां पर इंस्ट्रक्शन फेच हुआ यानी ये पहला मेमोरी रेफरेंस राइट और साथ में आपने प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को भी इंक्रीमेंट कर दिया फिर उसके बाद पे ये शुरू हुई है, राइट डिकोडिंग प्रोसेस के समय ही यहां पे देखिए ये instruction code की बिट नंबर में आपने लोड कर दी राइट right? अगर ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है रेफरेंस है तो यहीं पे आपके एड्रेस रजिस्टर में ऑपरेशन का एड्रेस आ गया और यहां पे ये एग्जीक्यूट हो गया T4 में राइट right? T3 के बाद T4 में एग्जीक्यूट हो गया लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो यहाँ पे T3 क्लॉक पल्स में एक एक्स्ट्रा स्टेप आया जिसमें आपने ये एड्रेस फेच किया यानी ये जो एड्रेस है यहां पर मेमोरी की उस लोकेशन पे गए फिर अगेन उस लोकेशन पे जो कंटेंट थे वो अगेन एड्रेस था ऑपरेंट का तो हमने फिर उसको दोबारा एड्रेस रजिस्टर में डाला जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि पहले जब डिकोड हुआ तो पहली बार में ये ये एड्रेस चला गया मेमोरी की ये लोकेशन का एड्रेस एड्रेस रजिस्टर में चला गया तो मेमोरी मेमोरी में ये लोकेशन स्टोर हो गई अब दोबारा जब हमने फेच किया एड्रेस uh, फेच तो इस लोकेशन के जो कंटेंट अगेन ये आपको एड्रेस रजिस्टर में लोड करने पड़ेंगे क्योंकि इस लोकेशन में ऑपरेंड है तो यही यहां पर दर्शाया गया है T3 में यहां पर दोबारा ये मेमोरी के कंटेंट उस लोकेशन के कंटेंट दोबारा एड्रेस रजिस्टर में डाले हैं अब चूंकि आप अगर 16 बिट कॉमन बस का आर्किटेक्चर देखेंगे हमारी पुरानी स्लाइड्स में मेमोरी में क्या है कि आप किसी भी ऑपरेंट को डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं कर सकते ये जितने भी रजिस्टर्स हैं ये सारे सीपीयू के अंदर हैं। तो मेमोरी के किसी भी कंटेंट में कोई मैनिपुलेशन करना है तो पहले उसे इन सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर लाना पड़ेगा तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं इस फ्लो चार्ट में इस टी थ्री टी थ्री टाइमिंग साइकिल में हमने ये यहां पर एड्रेस फेच कर लिया है राइट right? तो इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में जो एक्चुअली प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है वो टी फोर से आगे स्टार्ट होती है राइट right? अब हम देखते हैं जितने भी यहां पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ये ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं एक दो तीन चार पांच छह ये सात इंस्ट्रक्शन है सात इंस्ट्रक्शन वन बाई वन हम देखेंगे कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं तो सबसे पहला मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है एंड और ये कब एग्जीक्यूट होता है जब इस डिकोडर डी वन एक्टिव होता है ये डिकोडर का डी वन सिग्नल जो है ये जब एक्टिव होता है तब ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है और ये करता क्या है एंड द मेमोरी वर्ड टू ए सी ए सी इज एक्यूमुलेटर यानी जो एक्यूमुलेटर के एग्जिस्टिंग कंटेंट हैं उसके साथ मेमोरी से जो डेटा फेच ऑपरेंट फेच किया है उसको ऐड करता है और रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर रहता है तो ये एग्जीक्यूट हो, कैसे होता है इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं तो यहाँ डिटेल में बाकी सारे जो प्रीवियस स्टेप हैं वैसे ही रहेंगे टी थ्री तक के जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहले सीक्वेंस काउंटर रीसेट होगा और प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट टी जीरो टाइमिंग साइकिल में एड्रेस रजिस्टर में जाएंगे टी वन में इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है और प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो रहा है टी टू में इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे ये मेमोरी इंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब डी सेवन जीरो होगा और ये इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस आई की वैल्यू 1 होगी तो T3 में ये अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है एड्रेस फेच कौन सा वाला फिर से आपको दिखा रहा हूं यहां पे एड्रेस फेच दो बार क्यों हो रहा है क्योंकि ये ये पहला एड्रेस है और ये अगेन इस लोकेशन में एड्रेस है तो ये एड्रेस एड्रेस रजिस्टर में जा रहा है यहां पे अब इस लोकेशन पे जो है वो ऑपरेंट है राइट right? तो इस बात का ध्यान रखना है ठीक तो दूसरा वाला बार एड्रेस दूसरा वाला एड्रेस यहां ये अगेन एड्रेस फेच हो रहा है फिर T4 जो क्लॉक साइकिल है इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है वो देखते हैं फोर में अगर हम देखें टी फोर सिग्नल टाइमिंग सिग्नल और डी जीरो जब आ, आ, डिकोडर का जो आउटपुट है वो हाई है तब क्या होता है यह है क्या ऑपरेंट फैच राइट मेमोरी से ऑपरेंट को फैच किया कौन से ऑपरेंट को ये वाले ऑपरेंट को फैच किया इसी 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 को ये आपने और इस फेच किया कहाँ रखा स्टोर किया डेटा रजिस्टर में T4 क्लॉक पल्स में फिर T5 में जो टाइमिंग सिग्नल है अगेन D0 क्योंकि ये एंड ही होना है तो क्या किया जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट हैं एक उसको इस डेटा रजिस्टर के कंटेंट के साथ एंड किया और जो रिजल्ट है वो यहां पर टर में ही स्टोर रहा और क्योंकि अभी ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है ऑपरेशन क्या था एंड टू एसी ऑपरेंट कोटर में ही रहना था तो क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है इसलिए सीक्वेंस काउंटर को आपने फिर से क्लियर कर दिया तो यह था एंड टू एसी ऑपरेशन अगला इंस्ट्रक्शन है एड Right. अगर हम इस टेबल को दोबारा देखें अगला है एड मेमोरी वर्ड टू ए सी तो इसमें क्या हो रहा है तो अगेन ये जितने भी यहां पे ये memory reference instruction है इसमें अगर आप फ्लो चार्ट दोबारा देखेंगे तो यहां T4 तक ये T3 तक सारे ऑपरेशन एक साथ ही यही ऐसी प्रकार होते रहेंगे जैसे यहां हुए हैं नॉर्मल इस फ्लो सिर्फ T4 और T5 फाइव या उससे आगे के ऑपरेशन बदलते हैं तो जब भी मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं तो T3 तक यही स्टेप होना है क्या सिक्वेंस काउंटर क्लियर होता है इनिशियली फिर प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट एड्रेसिस्टर में जाते हैं फिर ये इंस्ट्रक्शन फेच फेज और प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है फिर ये डिकोड हो रहा है डिकोडिंग में डी सेवन बिट चेक करते हैं अगर वो जीरो है तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है फिर आई बिट चेक करते हैं अगर ये वन है तो इनडायरेक्ट मेमोरी मोड इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है और फिर हम दोबारा यहाँ पे T3 में T3 तक हम क्या कर लेते हैं हम जो इफेक्टिव एड्रेस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ये एड्रेस हो चुका है अब इसीलिए हम यहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है आगे के हैं तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं दोबारा यहाँ पे आगे एड एडिशन एडिशन क्या एडिशन में क्या कर रहे हैं हम ये एडिशन परफॉर्म कब होगा जब ये डिकोडर का ये डी वन जो आउटपुट है ये हाई होगा यही यहां लिखा हुआ है ऑपरेशन डिकोडर का जो आउटपुट डी वन है यही जब एक्टिव होगा तभी ऑपरेशन होगा इसमें क्या हो रहा है जो एक्टर के एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो मेमोरी के में जो स्टोर है ऑपरेंट जिसका हमने इफेक्टिव एड्रेस अभी तक कैलकुलेट किया था उस लोकेशन पे जो भी मेमोरी के कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ जोड़ देना और क्योंकि जोड़ो कर रहे हैं दो रजिस्टर के कंटेंट को तो ये इसमें एडर यूज होगा होगा एडर में आप देखेंगे एडर में एक आउटपुट होता है सी आउट वो क्या करता है अगर इन दोनों रजिस्टर के कंटेंट को आप ऐड कर रहे हैं और अगर बिट जनरेट होती है तो आउट में आ जाती है तो अगर जो भी कैरी बिट है चाहे वो जीरो है चाहे वन है वो एक रजिस्टर है ई वो यहां लोड हो जाएगी ये रजिस्टर कौन सा है अगर आप 16 बिट कॉमन बस आर्किटेक्चर को दोबारा देखें तो ये ई बिट जो है आपको ध्यान आ जाएगी ये ई बिट है तो एडिशन में क्योंकि कैरी भी जनरेट होता है इसलिए एक्यूमलेटर के कंटेंट को एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ मेमोरी में जो ऑपरेंट है उसको आपने ऐड किया और जो कैरी जनरेट हुआ वो ई वन बिट का जो फ्लॉप है वहां पे स्टोर कर दिया तो होता कैसे आइए इसका रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में देखें मैंने जैसे बताया कि टी थ्री तक ऑपरेशन सब में सेम रहते हैं टी फोर में क्या हुआ अगेन आपको ऑपरेंट फेच करना पड़ेगा डी वन जब डिकोडर का डी वन ऑपरेशन डिकोडर का डी वन आउटपुट वन है और T4 फोर टाइमिंग सिग्नल में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले T4 फोर सिग्नल में आप क्या करोगे ऑपरेंट फैच करोगे मेमोरी के इस लोकेशन में जिस जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है उसके कंटेंट डेटा रजिस्टर में आप स्टोर करोगे डेटा रजिस्टर में क्यों स्टोर करोगे क्योंकि मेमोरी के किसी भी जो कंटेंट है उसमें आप डायरेक्ट कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते उसके कंटेंट को आपको सीपीयू रजिस्टर में लाना पड़ेगा और डेटा को हम डेटा रजिस्टर में स्टोर करते हैं तो ये हो गया डेटा फेच फिर डी वन टी फाइव में आप क्या कर रहे हो एक्यूमेटर के कंटेंट के साथ के साथ डेटा रजिस्टर कंटेंट को एड कर दे रहे हो और जो रिजल्ट है वो एक्यूमेटर में ही स्टोर्ड है और अगर इसमें कोई कैरी जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू आपने ई जो कि वन बिट फ्लिप फ्लॉप है वहां पे स्टोर कर दी और क्योंकि अभी ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है तो आप सीक्वेंस काउंटर को भी क्लियर कर देते हो तो इस प्रकार एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो कि मेमोरी इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है अगला मेमोरी रिफरेंस इंस्ट्रक्शन है एल डी लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी टू एक्यूमुलेटर और यह कब परफॉर्म होता है जब ऑपरेशनल डिकोडर का डी टू सिग्नल हाई होता है इस ऑपरेशन को डिस्कस करने से पहले एक बार हम फिर से 16 बिट कॉमन बस का आर्किटेक्चर देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि वो कैसे काम करता है 16 बिट कॉमन बस अगर आप देखें तो आपको याद आएगा कि एक्यूमुलेटर इस 16 बिट कॉमन बस से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है अगर मेमोरी के कोई भी कंटेंट को आपने एक्यूमलेटर में डालना है तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकता उसको थ्रू डेटा रजिस्टर जाना पड़ेगा जो भी आपने मेमोरी के कंटेंट को लोड करना है डेटा रजिस्टर में सॉरी एक्यूमुलेटर में तो पहले वो आप डेटा रजिस्टर में डालोगे और डेटा रजिस्टर चूंकि ये जुड़ा हुआ है एडर एंड लॉजिक सर्किट के थ्रू एक्यूमुलेटर से इसलिए फिर सेकेंड स्टेप में आप डेटा रजिस्टर से उस कंटेंट को ट्रांसफर करोगे एक्यूमुलेटर में तो अब हम आते हैं इस इंस्ट्रक्शन की डिटेल्स की तरफ एल डी ए क्या करता है लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी राइट सॉरी हमने रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन लगा दिया हम यहां पे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस एल डी एल डी ए का एग्जीक्यूट होता है जब ऑपरेशनल uh, डिकोडर uh, का डी टू जो सिग्नल है वो हाई होता है ये परफॉर्म कैसे होता है इसकी डिटेल अभी देखते हैं ये देखिए एल डी ए टी थ्री तक जो सीक्वेंस है वो फ्लो चार्ट में जैसा दिखाया था वो कॉमन रहेगा टी फोर में क्या हो रहा है डी टू और टी फोर जब दोनों हाई हैं तो सबसे पहले ये जो क्या हो रहा है ऑपरेंट फैच ऑपरेंट के कंटेंट जो मेमोरी के कंटेंट है इस लोकेशन के इफेक्टिव एड्रेस के जो मेमोरी के कंटेंट है वो आप डेटा रजिस्टर में डाल रहे हो और फिर T5 टाइमिंग सिग्नल में D2 हाई है और T5 हाई है डेटा रजिस्टर से उसको एक्यूमलेटर में लोड कर रहे हो और क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है इसलिए अब सीक्वेंस काउंटर को क्लियर कर दे रहे हैं तो इस प्रकार लोड टू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है अगला इंस्ट्रक्शन है एस टी ए स्टोर द कंटेंट ऑफ ए सी इन टू मेमोरी यानी एक्यूमलेटर के जो कंटेंट है उसको मेमोरी में कहीं सेव करना फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो फिर हम एक बार 16 बिट कॉमन बस को देखते हैं 16 बिट कॉमन बस अगर आप फिर से देखें क्योंकि डायरेक्टली 16 बिट कॉमन बस से जुड़ा हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली मेमोरी में, में लोड कर सकते हैं आपको डेटा रजिस्टर में उसके कंटेंट को डालने की जरूरत नहीं है इसलिए ये वाले इंस्ट्रक्शन में हम यहां पर देखेंगे कि ये सीधे एक ही टाइमिंग सिग्नल में यहां से यहां ट्रांसफर हो गया ये एस टी ए स्टोर ए डी थ्री और टी फोर टी फोर टाइमिंग सिग्नल में सीधे जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट थे वो मेमोरी के किसी जो जो लोकेशन आपने एड्रेस रजिस्टर में यहां स्पेसिफाई की है मेमोरी की उस लोकेशन में एक्यूमुलेटर के कंटेंट को आपने लिख दिया है और क्योंकि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है स्टोर टू ए सी सीक्वेंस काउंटर को आपने क्लियर कर दिया है अब अभी तक हमने पांच इंस्ट्रक्शन ये मेमोरी इनडायरेक्ट मेमोरी रिफरेंस इंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस कर ली है बचे चार डिस्कस किए हैं अभी तीन बचे हुए हैं क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है इसलिए हम अनकंडीशनल ब्रांच और ब्रांच एंड सेव एड्रेस ये वाला और इंक्रीमेंट एंड स्किप जीरो ये तीन इंस्ट्रक्शन जो हैं ये हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच